जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज बिल्ला को मत बताइयो। सुन लाला, राहुल तू प्लीज जा यहाँ से। नताशा, मैं नहीं डरता बिल्ला और लाला से। तो डर राहुल। बिल्ला हम सिर्फ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे यार। अच्छा सुन, राहुल मेरे बचपन का दोस्त है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो देख लियो। देख लूंगा। So, everything great. बजते, चलो। बजो, 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 बजो। मैं कमिंग सर। सर जूनियर्स के लिए एक अनाउंसमेंट करनी थी। बिल्ला, आई टोल्ड यू हम सिर्फ डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने क्या किया? तो फिर वो हॉस्पिटल में क्यों है? अरे वो स्कूटी से फिसल गया होगा तो पैर में मोच आ गई होगी। नताशा, आई थॉट तुम्हें कुछ अनाउंस करना था। यस सर। बिल्ला, आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। एंड नाउ द अनाउंसमेंट, जो सबको पता होनी चाहिए, बिल्ला हैज अ प्रॉब्लम, जेंस प्रॉब्लम। इज्जत इतने सालों से कॉलेज में कमाई थी, एक सेकंड में उतार दी। लाले रेडी हो जा, धमाका होने वाला है। चाचा मदद करें। अरे अंकल नमस्ते, आप तो नताशा के पिताजी हैं ना? कौन नताशा? अरे कॉलेज की नताशा, आपने राहुल की बंदी। चाचा चलते हैं, गाड़ी और नताशा दोनों का ख्याल रखिएगा। मैंने लिसन, बिफोर ब्रेकिंग अप मैं पूरी रात रोई, लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नताशा नाटक बनकर तूने पूरे क्लास के सामने मेरा नाटक। सुन, तेरा कॉलेज खत्म हो चुका है, सो आई होप आज के बाद कभी हमें एक दूसरे की शक्ल ना देखनी पड़े। टेक केयर। बिल्ला, आई होप हम एक बार दोबारा जरूर मिले। जो हाल तूने राहुल का किया था वही तेरा करना। यू आर क्रेजी। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक्स। और भाई साहब, आज तो आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने वाले हैं। अरे यार। जैसे आप सबको पता है, कमल जी हैज लेफ्ट, तो हमारे न्यू मैनेजर हैं। वेयर इज शी? नताशा, हाय एवरीवन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। सॉरी मैम। नताशा एक सेकंड, कुछ बात करनी है। बिल्ला देख रहे हैं, तेरे कोक गिरी थी, लेकिन अभी भी कैसे काला काला लगा हुआ है। अच्छे से साफ करना यार। हाँ बिल्ला, एक बार इसे करके दिखाना अच्छे से कैसे साफ करते हैं। नहीं मैम, मैं कर लेता हूँ। बिल्ला, हाँ थोड़ा सा रह गया। थैंक यू। बदला एक्स गर्लफ्रेंड का, दोनों जॉब छोड़ देते हैं। भाई कहीं भी जाएगा ना, पहले सालों तक फिर से वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी, ना इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी ना पोस्ट। यार एक बार मैनेजर का एक्सपीरियंस मिल जाए ना तो बस। दिलवाएगा लाला, दिलवाएगा। आप समझ गई ना? मैम आपने बुलाया। नताशा, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे मैनेजमेंट के तरीके से पूरे स्टाफ को प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, अगर ऐसा है तो I quit. Wait, what? Why? मैं बिल्ला और मैं कॉलेज में डेट कर रहे थे, लेकिन इसकी गुंडागर्दी के वजह से I had to break up with him. लेकिन अब किसी की गुंडागर्दी नहीं जाऊंगी मैं। बिल्ला, is that true? बिल्कुल नहीं मैम। हम डेट नहीं कर रहे थे। हाँ लेकिन। Enough. नताशा यहाँ की मैनेजर है और रहेगी भी। किसी भी गुंडे को अगर इस बात से प्रॉब्लम है, can get lost. मैम, हम भी। I said, get lost. बिल्ला, एक छोटा सा काम है। ऐसे ही होते, समझा? अबे तू क्या बोल रहा है? हम ये बोल रहे हैं कि पहले उनके पिता को किडनैप कर लेते हैं, फिर खुद ही उन्हें बचा लेंगे। पिता को किडनैपर से बचाने का एहसान वो जॉब छोड़ के चुकाएंगी। तू ना पगला गया है? किडनैपिंग या नताशा के अंडर काम? अबे कब आएगा यार? आया,
इसका बाप ने दादा लग रहा है। अरे जो भी है यार उठा लेते हैं, बाप के लिए इंतजार कौन करेगा। ठीक है रेडी। रेडी गाड़ी में बैठो जल्दी। गाड़ी में बैठो। अरे वाह क्या बात है, गाड़ी में क्या मजा गया। अरे बात तो सुन ले तो पूरी। चचा तो बहुत जल्दी मान गए। चलो भैया चलो चलो गाड़ी में बैठो। अरे वाह चलो 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 चचा बहुत जल्दी मान गए, बात तो पूरी सुन लेते। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बेटा? शादी में जा रहे हैं चचा, जल्दी चलो। और अब अपनी पोती का फोन लगाओ। पोती? हमारा तो अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ है। अरे ये है कौन? उसके घर के माली हैं और क्या। वाह और कर किडनैपिंग। किसकी किडनैपिंग बेटा? सस्ता पापर खाओ। बेटा मेहमान कब आ रहे हैं? सस्ता आएंगे, सस्ता पहले पापर तो खाओ पापर। अरे मेहमान भी आएंगे, बारात भी आएगा, दूल्हा भी आएगा, दुल्हन भी आएगा, पापर खाओ यार चचा। हाँ मैम आपने बुलाया। बिल्ला कहाँ है? बर्तन धो रहा होगा कहीं। बैठो कुछ बात करनी है। हाँ मैम बोलिए। कल तू और बिल्ला मेरे घर के बाहर आए थे क्या? घर के बाहर? Anyway listen, तुझे लग रहा होगा कि मैं तुम दोनों से कोई बदला ले रही हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली ले रही हूँ। एंड आई एम गोना मेक श्योर कि मैं उस बिल्ले की लाइफ हेल बना दूँ। एक अजीब सी सैटिस्फैक्शन मिलती है यार उससे ये सब करा के। लेकिन तू क्यों फंस रहा है उसकी वजह से? गलत टीम से खेल रहा है, साइड बदल ले। बिल्ला प्लीज रिया को वो रिकॉर्डिंग मत सुनाइए। फिकर मत कर, मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। हाँ? लेकिन क्यों? Because I love you. क्या? यार मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुझे कितना हर्ट किया होगा। इतने सालों बाद भी मेरे फेल बनाने में उसे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन भाई उसने तुमको कितना टॉर्चर किया? You only hurt the ones you love. बिल्ला, I'm really sorry I tortured you. लेकिन तू बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है। यार तुझे जितना टॉर्चर करना है कर, बस एक लास्ट चांस दे दे। बिल्कुल नहीं। भाई प्लीज यार। नहीं। नहीं चल पाएंगे हम। अब नहीं। भाई प्लीज प्लीज। चलो कह रहा हूँ मान लेता है। चलो कुछ चाहिए वो प्यारी लड़की है प्लीज। अरे बोल दिया ना ठीक। यस। तू देख मैं उसे वापस जीत के रहूंगा। किससे पूछ के तुमने मेरे रेस्टोरेंट का मेन्यू चेंज किया? मैम जब से न्यू मेन्यू है तब से हमारा कस्टमर बेस और भी बढ़ गया। अगर तुम्हें अपनी ही मर्जी चलानी तो जाओ जाके अपना रेस्टोरेंट खोलो। एक्चुअली अवे नाइस आइडिया, अब तो मैं अपना रेस्टोरेंट ही खोलूंगी। ये जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। नो no. ये जाएगा तो हम भी जाएंगे। बिल्कुल नहीं। All three of you, get lost. ले छोड़ के जा। अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे मजा आएगा। ओ हेलो, मैं खोलूंगी वो भी अपने पापा के पैसे से। यार तेरे लिए हम जॉब छोड़ के आए। बिल्ले मैंने नहीं कहा था। सुनो भाभी जी, हम आपसे जितनी नफरत करते थे बिल्ला आपसे उतना ही प्यार करता है। आपने उससे क्या नहीं करवाया, झाड़ू लगवाया, पोछा लगवाया, उसने आपके लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी। ऐसा लड़का आपको कहाँ मिलेगा? आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उसको एक मौका जरूर दीजिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। मेरा दोस्त टूट जाएगा। भाभी नहीं हूं मैं। देख क्या रहे हो आप? चलो लड़कियों को फ्री में एंट्री देता रहता है, खाना खिलाता रहता है। व्हाट इज दिस बिल्ला? मैं समझाता हूँ यार, लेकिन एक साल हो गया, अब तो अपनी फीलिंग्स बता दे। नताशा। हाय। और राहुल भाई ठीक है? तुम दोनों अभी भी साथ में हो? यस। Voy a cantar esta canción
con mucho cariño de mi corazón. Enjoy lunch. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño. अगर अब इनका ब्रेकअप हो गया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे. What? If they break up, I become unemployed, no job, no money, lonely forever, single ही मरेंगे. It's okay, you can work for me. I'll invest 50-50 partnership. I can survive without food, but without him, I can't. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. और भाइयों किद्दा, इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट आपको क्या लगा? प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं. एंड हमारे और ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए जल्दी से जाएं ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को खूब सारा लाइक करें और खूब सारा शेयर करें. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो एवरी ग्रेट.